और लगातार भारत में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की समस्या से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,66,000 के पार पहुंच गई, जबकि कोविड 19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,237 हो गई। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। बात अगर इन सभी के बीच में महाराष्ट्र की करें तो यहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही अभी तक मचाई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। रिकॉर्ड ये मौतों का आंकड़ा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हेलो प्रीत, आप मुझे सुन पा रही है? तकनीकी खामी के चलते संपर्क फिलहाल टूट गया है। प्रीत, अभी मुझे आप सुन पा रही हैं? प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से देशभर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड 48 घंटे की अगर बात करें तो 2,500 से 3,000 के बीच में मौतों का आंकड़ा यहां पर बढ़ चला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देशभर से आपको कोरोना के लेटेस्ट अपडेट हम दे रहे हैं। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो देशभर में बढ़ता ही जा रहा है। इन सभी के बीच में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक यहां पर कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट ने भी अपनी गति को पकड़ा है। और प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से मौतों के आंकड़े में यहां बढ़ोतरी देखने को मिली है, पिछले 48 घंटों में 2,500 से 3,000 के बीच में यहां पर संख्या बढ़ चली है मरने वालों की, क्या कहेंगे इसके बारे में? तकनीकी खामी के चलते संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि लगातार देशभर से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राहत की बात इन सभी के बीच में यह है कि गति जो राहत और रिकवरी की जो दर है उसने अपनी गति को पकड़ा है और काफी ज्यादा लोग इसमें से ठीक भी हुए हैं। 1,94,000 वो संख्या है जो फिलहाल स्वस्थ हो चुकी है, संक्रमण से उबर चुकी है। 12,237 लोगों की मौत भी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मौतें पिछले 48 घंटों में दर्ज की गई। June 16 की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड 2,003 मौतें यहां पर दर्ज की गई और लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा तो हो रहा है। 3,66,000 फिलहाल संख्या कोरोना से संक्रमित लोगों की पूरे भारत से, और कोरोना से अब तक 12,237 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन सभी के बीच में राहत की बात यह है कि 1,94,000 लोग इतनी संख्या में हैं कि वो लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, और अधिकांश तह संख्या वो है जो कि डिस्चार्ज भी किए जा चुकी है। लेकिन संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और प्रीत किरण एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से देशभर से इजाफा देखने को मिल रहा है संख्या में, संक्रमित मरीजों की बात करें या फिर मरने वालों का आंकड़े की बात करें, 48 घंटों में मरने वालों की संख्या भी 2,000 से 2,500 के बीच में बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, 48 घंटों में बेहद ज्यादा मरने वालों की जो संख्या है वो हो चुकी है। केवल दिल्ली की बात करें तो ये जो संख्या है 67 है, ऐसे में बहुत ज्यादा माना जा रहा है। 12,000 से ज्यादा जो लोग हैं देश भर में वो एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना की वजह से। ऐसे में जो केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी दी गई है, खास तौर पे दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि तमाम जो प्राइवेट लैब्स हैं
वहाँ पर भी 2400 रुपए में कोरोना का टेस्ट किया जाए, हालांकि सरकारी जो अस्पताल है उनमें अब तक फ्री होता रहा है। मुंबई में भी इस तरीके से कोरोना टेस्ट की रेट तय करने की बात की गई थी, और अब दिल्ली में क्योंकि जो संख्या है मुंबई और दिल्ली में वो बहुत ज्यादा है, ऐसे में दिल्ली में जो लोग हैं सस्ता इलाज करा सके, टेस्ट जल्दी से जल्दी करा सके, इसके लिए तमाम नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रीति, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से देश भर से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसी बीच जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि बीमारी का जो पीक टाइम है वो तो अभी आना बाकी है। एम्स के अगर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की बयानों को, पिछले बयानों को सुने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इसके साथ जीने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। तो जनता को भी क्या समझने की आवश्यकता है, किस प्रकार से पेशेंट्स को बनाए रखने की अभी आवश्यकता है? प्रीत, बिल्कुल, जिस तरीके से डायरेक्टर जो बोल रहे एम्स के रणदीप गुलेरिया कि अभी पीक टाइम बाकी है आना, ऐसे में 2 से 3 महीने जो है इसी तरीके के रेशो बढ़ते रहेंगे, और जिस तरीके से 10 से 12 दिन में ये जो संख्या है देश भर में डबल हो जा रही है, अब ये माना जा रहा है कि शायद 10 से 12 दिन भी बहुत देर, 8 से 9 दिन में ये संख्या डबल होने की है। लेकिन ऐसे में तमाम जो आयुष मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनकी तरफ से एडवाइजरी दी जा रही है, नई गाइडलाइंस बनाई जा रही है ताकि मरीजों तक जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करने के लिए तमाम स्वास्थ्य लाभ पहुंच सके। एम्स की तरफ से 3 नई कमेटियां बनाई गई है दिल्ली सरकार के अस्पतालों को गाइडेंस देने के लिए, और चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, और देश भर में इस तरीके के नए दिशा निर्देश दिए गए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। हेल्थ की जो तमाम सुविधाएं हैं देश भर में दी जा रही है, साथ में इसको सस्ता करने की बात की जा रही है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से लगातार इस बारे में निगरानी रखी जा रही है, तमाम जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं देश भर के उनसे बातचीत करके, चर्चा करके, जिलावार जहां जहां पे इस तरीके से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाने की जरूरत है वहां पर दी जा रही है। रेलगाड़ियों में भी हालांकि आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, केवल दिल्ली में ही 503 जो रेल के कोचेज है उनमें आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रीत।